शिवाजी महाराज अपने पुत्र के साथ औरंगजेब के 50वें जन्मदिवस के लिए आगरा की तरफ कूच करते हैं। जाते समय तो उनका भव्य स्वागत होता है, परंतु जैसे ही वो आगरा पहुंचते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए जैसी उनकी अपेक्षा थी वैसे कोई ना तो बड़ा सरदार आता है और ना कोई सिपह सालार ही आता है। राम सिंह भी व्यस्तता के कारण नहीं आ पाता है। शिवाजी महाराज को थोड़ा सा क्रोध आता है। दूसरे दिन जब उनको दरबार में जाना था उस समय भी राम सिंह गिरधारी लाल जी को भेज देते हैं और उनसे कहते हैं कि राजा साहब को समझा कर ले आइए। राम सिंह फिर भी भेंट नहीं कर पाते। धीरे धीरे राजा साहब उस लाल महल की तरफ पहुँच रहे हैं, तभी राम सिंह जी आते हैं। उनका परिचय कुंवर सिंह करा देते हैं। राम सिंह उन्हें लेकर जाते हैं और राम सिंह दरबारे आम में पहुंचते हैं। वहां पता लगता है कि दरबारे आम का तो बर्खास्त हो गया है। राम सिंह पुनः प्रवेश प्रयास करते हैं और दरबारे खास में जाने की व्यवस्था बनाते हैं। खास दरबार में सामान्य भेंट के बाद शिवाजी को खड़े होने का जो स्थान दिया जसवंत सिंह के पीछे, आगरा में आने के बाद से जो अपमान हो रहा था उसकी अति हो गई और एक गर्जना हुई, राम सिंह हमारे सामने कौन खड़ा है? जसवंत सिंह जिसने हमारे सिपाहियों से मार खाई है, जिसने हमारे सैनिकों को पीठ दिखाई, उसके पीछे हमें स्थान? हम यह अपमान कभी नहीं सह सकते, और दरबार से चल दिए। औरंगजेब घबरा गया। जहां उसके दरबार में कोई सिर उठाकर बात नहीं कर सकता था वहां यह गर्जना अविश्वसनीय घटना थी और राजे दरबार से बाहर निकल गए। औरंगजेब ने तुरंत मुलतफी खान, अकील खान, मुखलिस खान सभी को दौड़ाया और राजा साहब को समझाने का प्रयत्न किया, उन्हें खिलत देने का आग्रह किया। राजा ने खिलत को एक हाथ से उड़ा दिया और बोले, ऐसी खिलतें तो हम कई लोगों को बांट चुके हैं, हम इसके लिए आए हैं? हमारे पुत्र तो आपके नौकर हैं, परंतु हम तो नहीं, हम तो राजा हैं और राजा को राजा के समान सम्मान मिलना चाहिए, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। और वहाँ से निकल गए। राम सिंह दौड़े राजा साहब को लेकर अपने महल में गए। वहाँ राजा साहब को थोड़ा सा नाराजगी कम करने का आग्रह किया। राजा साहब ने कह दिया, अब मैं दरबार में कभी नहीं जाऊँगा, मुझे दरबार में जाने का आप आग्रह कभी मत करना, मैं इस अपमान को लेने यहाँ नहीं आया था, मैं तो एक समझौता करने के लिए आया था। ऐसा कहकर बात ख़त्म होती है। दो दिन बाद एक राजा राम सिंह उन्हें अपने साथ मन बहलाने के लिए ताजमहल दिखाने ले गए। ताजमहल देखकर राजा साहब ने, शिवाजी राजे ने उसकी तारीफ की और बोले कि अपने शासनकाल में हर राजे ऐसी कोई ना कोई चीज़ बनाते हैं जिससे उन्हें याद किया जाए, परंतु युवराज हमारा मत है कि अपना जीवन ऐसा जीना चाहिए कि आप याद किए जाएं। राम सिंह व राजा अच्छा पाठ पढ़ा गई। हीरो जी उनके साथ थे, उन्होंने पूछा कि राजा साहब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? राजा साहब कहते हैं, इस इमारत को देख रहे हो? इस इमारत की सुंदरता पर कोई भी टिप्पणी कर सकता है, परंतु इस इमारत को बनाने के लिए इसके नींव में कितने काले पत्थर होंगे उसे किसी ने पहचाना? नहीं, ऐसा ही हमारा जो स्वप्न है वह साकार करने के लिए कितने लोगों ने प्राणोत्सर्ग किए इसकी कोई कल्पना है? हम अब इस समर्पण को भूल नहीं सकते, हमें इसको याद रख के ही आगे के कदम उठाना होंगे। और जैसा हम जानते हैं, राम सिंह दरबार में शाहजी संभाजी राजा को लेकर जाने लगे, परंतु दो दिन बाद ही उनका जैसा अंदाज था शिवाजी महाराज का, वहाँ पर शिवाजी महाराज को नज़रबंद कर दिया गया। नज़र कैद होने के बाद शिवाजी महाराज को याद आई माता जी। निकलने के पहले शिवाजी महाराज जब मिर्जा राजा जय सिंह से समझौता कर आए थे और अपने कमरे में एकदम निराश मन से बैठे थे, तब उनके माता जीजाबाई ने उनका उत्साहवर्धन करने के लिए कहा था, राजे महान कार्यों के लिए महान त्याग करना पड़ता है, महान तपस्या करनी पड़ती है, कठिन परिस्थितियों में से भी निकलना पड़ता है। आपको याद है पांडवों को भी 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा, भगवान कृष्ण को भी जन्म कहाँ लेना पड़ा, तो जेल में, और उस कैद से निकलने के लिए टोकरी में बैठकर निकलना पड़ा। बस शिवाजी महाराज ने एक कल्पना साकार करना मन में प्रारंभ कर दिया और पहला काम किया, राम सिंह से कहा कि तुम जाकर अपनी जो वचनबद्धता है औरंगजेब से वह वापस ले लो।
दूसरे प्रकार में औरंगजेब से उन्होंने प्रार्थना की कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो सेना है इसे घर वापस जाने दिया जाए, अब मैं आपके कैद में हूँ, ऐसे समय इन सब का भार उठाना मुझे संभव नहीं। औरंगजेब और प्रसन्न हो गया कि मैं तो शिवाजी की हत्या करना ही चाहता हूँ, इसकी सेना यहाँ से चली जाए तो अच्छी बात है। सेना को भी जाने की अनुमति मिल गई। शिवाजी ने अपने सारे सैनिकों से बातचीत की, कहाँ क्या करना है, इस सब की योजना बनाकर उन्हें वापस कर दिया। कुछ ही दिन बाद औरंगजेब को समाचार मिलता है शिवाजी बीमार हो गए हैं। बीमारी की अवस्था में लगभग 20-25 दिन जाते हैं और शिवाजी की बीमारी गंभीरता बढ़ती जाती हुई दिखाई देती है। शिवाजी फिर निवेदन करते हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ दान पुण्य कर लूँ, कुछ लोगों को प्रदान कर सकूँ, उसकी भी अनुमति मिल जाती है। और शिवाजी राजा अपने सारे सिपाही जो उनकी सुरक्षा में लगे उनके घरों में मिठाई के पेटारे भिड़ने लगते हैं, जनता में मिठाई बांटी जाती है, सारे लोगों को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया जाता है। कुल मिलाकर वातावरण ऐसा बना दिया गया कि शिवाजी अत्यंत बीमार हैं और अपनी बीमारी ठीक करने के लिए, अधिक आयु प्राप्त करने के लिए अर्चना कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। इसी समय शिवाजी को जैसा तय था उसके अनुसार राम सिंह ने खबर भेजी कि 2 दिन बाद आपको जहां मारे जाने की योजना है उस स्थान पर ले जाया जाएगा। और शिवाजी ने अपनी योजना को अंतिम रूप दिया। जो रोज़ बड़े बड़े पिटारे भेजे जाते थे उनमें से एक पिटारा स्वयं ले जाना चाहा और अपना वेश बदला, दाढ़ी बना ली और वेश बना लिया उन पिटारों को उठाने वाले कहारों के रूप में। पहले अपने बालक को एक विश्वस्त व्यक्ति के साथ आगरा से बाहर भेज दिया मथुरा, और स्वयं उस पिटारे को उठाने के बहाने वहाँ से चल दिए। अंदर कौन बचा? तो अंदर हीरोजी और उनका मदारी मेहतर, ये दो लोग। हीरोजी सोया है, मदारी मेहतर उसकी सेवा कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे शिवाजी खड़े हैं। फौलाद खान के सारे सैनिक बार बार आकर देख जाते हैं, हाँ शिवाजी सो रहा है, हाँ शिवाजी सो रहा है। रात पूरी बीत जाती है और सवेरे के पहले पहर में दोनों बंधु हीरोजी और मदारी मेहतर वहाँ पर केवल गद्दे तकिया और उस पर चद्दर उढ़ाकर ऐसा प्रस्तुत करते हैं जैसे शिवाजी सिर ढककर सोए हों, और बाहर निकलकर सैनिकों से कहते हैं कि आप बिल्कुल भी शिवाजी महाराज को कष्ट न दें, अंतिम समय है, हम एक दवा लेने जा रहे हैं, शिवाजी को बहुत अधिक दर्द है, उस दर्द की दवा लेने जा रहे हैं। उन्होंने तुलसी पत्र भी लाने कहा है, शायद उनको भी ऐसा लग रहा है कि अब अंतिम समय है, हम अभी आते हैं, ऐसा कहकर दोनों निकल गए। यहाँ प्रातःकाल हो जाता है, लगभग सूर्य ऊपर आ चुका है, तब भी शंका हुई, दोनों नहीं आए। तब जाकर तुरंत फौलाद खान को बताया गया। फौलाद खान आता है, देखता है शिवाजी सो रहे हैं, आवाज़ लगाता है, शिवाजी राजे, शिवाजी राजे, हाँ कौन था? आगे बढ़ता है, जैसे ही चद्दर निकालता है तो उसकी जमीन खिसक जाती है। शिवाजी राजे भाग गए, और उसको वहीं पर चक्कर आते हैं, गिर जाता है। क्यों? क्योंकि अब डर है, औरंगजेब का सामना कौन करेगा। औरंगजेब के पास खबर पहुंचती है शिवाजी भाग गए, शिवाजी नदारद हुए। औरंगजेब को याद आता है सचमुच जो लोग कहते थे वह सही है, शिवाजी को क्या कोई जादू आता है? शिवाजी विशेष योग्यताएं जानता है क्या? कैसे भाग गया? जमीन निगल गई, हवा उड़ा गई, कैसे भागा? इतने बड़े पहरे में से शिवाजी कैसे भागा? शायद शास्त्री शास्ता खान के जैसी उंगलियां कटी थीं, इसी प्रकार से यहां भी अचानक घटना घटी है, और उसको भी भयग्रस्त हो जाता है। लेकिन चारों तरफ दौड़ाता है सैनिकों को, शिवाजी को पकड़ कर लाओ, शिवाजी को ढूंढो। शिवाजी तो वेश बदल कर निकल चुके हैं और अपने 4-5 साथियों के साथ वेश बदल कर निश्चित तारीख को निश्चित समय पर पहुंच जाते हैं। वहां उनको उनके तैयार घोड़े मिलते हैं। उत्तर की तरफ पहले भागते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है औरंगजेब दक्षिण की तरफ उनकी खोज खबर लेगा, इसलिए पहले उत्तर दिशा में जाते हैं। फिर वहां से घूमते हुए 2 महीने के अंदर शिवाजी फिर से अपने राजगढ़ में पहुँच जाते हैं। माता जीजाबाई पहचानती नहीं हैं, परंतु जब पहचान हो जाती है तो अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, और शिवाजी राजे वहाँ से तोप की आवाज़ करते हैं। औरंगजेब के पास तक समाचार पहुँच जाता है कि शिवाजी तो पहुँच गए,
परंतु संभाजी बीच में मारे गए। संभाजी की मृत्यु का समाचार फैला दिया जाता है। संभाजी की मृत्यु का समाचार सुनकर औरंगजेब एक बात से प्रसन्न होता है, चलो कम से कम शिवाजी का आगे का वंश तो समाप्त हुआ। लेकिन उसका दुर्भाग्य, शिवाजी की यह चाल भी सफल होती है। ठीक एक महीने बाद फिर से तोपें दागी जाती हैं, प्रसन्नता होती है, क्या तो शिवाजी का पुत्र संभाजी भी वापस आ गया। यह है शिवाजी की दृढ़ इच्छा शक्ति और विशेष योजना बनाने का स्वरूप कि औरंगजेब के दरबार में फंसकर औरंगजेब के कैद में जाने के बाद भी वहाँ से स्वयं सुरक्षित नहीं आए, अपितु अपने सारे साथियों के साथ वापस आ गए और एक भी खून का कतरा बहाए बिना शिवाजी वापस आ जाते हैं। शिवाजी औरंगजेब को पत्र भेजते हैं, उनको समझाते हैं कि हम आपसे शर्मिंदा हैं, हमको वहाँ से इन परिस्थितियों के कारण आना पड़ा, हमारा बेटा आपका अभी भी मनसबदार रहेगा, 5000 की मनसबदारी उसे प्रदान की जाती है, बाकी लोग जानते हैं। शिवाजी कहते हैं हमको अब 2 वर्ष का समय कम से कम चाहिए, और ये 2 वर्ष का समय लेकर शिवाजी अपने आदिलशाही, कुतुबशाही, निज़ामशाही के पास गया हुआ जो क्षेत्र है उसको वापस प्राप्त कर लेते हैं। 1669 में मिर्जा राजा जय सिंह को विष देकर औरंगजेब मार देता है, राम सिंह की पदवी निकाल लेता है, क्योंकि शिवाजी के भागने का उसको अत्यधिक कष्ट है। ऊपर से जरूर दिखाता है दोस्ती, परंतु अंदर से वह पीड़ित है और अपना गुस्सा निकालने के लिए वह मिर्जा राजा जय सिंह की हत्या करता है, राम सिंह को दरबार से निकाल देता है। यहीं तक नहीं तो हिंदुओं के ऊपर जजिया कर लगा देता है और काशी का विश्वनाथ मंदिर विध्वंस करके उस पर मस्जिद निर्माण करता है। जैसे ही शिवाजी को यह समाचार मिलता है, शिवाजी औरंगजेब को पत्र लिखते हैं, आपको शायद अधिक अभिमान हो गया है, अधिक अहंकार हो गया है, आप यह भूल गए कि दक्षिण में शिवाजी बैठा हुआ है, आप वहाँ पर हमारे मंदिर को ध्वस्त कर सकते हैं, तो आप यह नहीं जानते कि दक्षिण में आपकी कितनी मस्जिदें हैं, हम भी उसका क्या कर सकते हैं, परंतु हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम मानवीयता छोड़कर चलने वाले नहीं हैं, पर आपको यह याद दिला देते हैं कि आपने जो अपराध किया है इस अपराध का एक दिन आपको दंड अवश्य मिलेगा और आपको इसकी अनुभूति भी हो जाएगी। इस प्रकार 1669 में यह पत्र लिखने के तुरंत बाद शिवाजी अपना समझौता तोड़ देते हैं, संभाजी को वापस बुला लेते हैं और अपने गए हुए किले जो मिर्जा राजा जयसिंह को 23 किले देना पड़े थे, 2 साल के अंदर 23 किले प्राप्त कर लेते हैं। उन्हीं किलों में एक कोंढाणा भी है, उस कोंढाणा को प्राप्त करने के लिए तानाजी मालूसरे सरीखा व्यक्ति जो अपने पुत्र के शादी का निमंत्रण लेकर आया था, परंतु जैसे ही उसको पता लगा कि गढ़ कोंढाणा लेना आवश्यक है, उसने एक वाक्य बोला, पहले लगीन कोंढाणा चे मग माझा लेकर आचे, अर्थात अपने पुत्र की शादी बाद में, राज्य का कार्य पहले, और कोंढाणा लेने चल पड़ा। उस वीर ने कोंढाणा तो प्राप्त कर लिया पर स्वयं वीर गति को प्राप्त हो गया। शिवाजी ने भी कहा, गढ़ आला पण सिंह गेला, और कोंढाणा का नाम उस दिन से सिंहगढ़ रख दिया। ऐसी विजय प्राप्त करते समय 1672 में समर्थ रामदास स्वामी का उन्हें पत्र प्राप्त होता है। समर्थ रामदास स्वामी उनकी अपने वाक्यों में, अपने शब्दों में बहुत स्तुति करते हैं, ऐसा राजा होना चाहिए, ऐसे ही श्रेष्ठ जनों की आवश्यकता है, ऐसा पूरा बड़ा भारी पत्र लिखकर शिवाजी का बहुत अधिक उत्साहवर्धन करते हैं, उनका अत्यधिक सम्मान करते हैं। शिवाजी रामदास स्वामी से भेंट करने जाते हैं, रामदास स्वामी से भेंट करके क्षमा याचना करते हैं, हम बहुत दिनों से आपसे नहीं मिल पाए। समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, नहीं, आप अपना कार्य ठीक से कर रहे हैं, हमारे लोग तो आपके सहायता में लगे हुए ही हैं, क्योंकि समर्थ रामदास स्वामी के जितने शिष्य हैं वो सारे शिष्य भारतवर्ष में घूमकर शिवाजी के सारे कार्यों के लिए पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। ऐसे समर्थ रामदास स्वामी के शिष्य, समर्थ रामदास स्वामी और उनके शिष्य शिवाजी के 2-3 दिन उनके सानिध्य में रहते हैं, एक शांति प्राप्त करते हैं और वहाँ से पुनः विश्वास प्राप्त करके यहाँ आते हैं। शिवाजी राजा 1672 में फिर से अपना राज्य ज्यों का त्यों स्थापित कर लेते हैं, और यह बात जब उत्तर भारत में रहने वाले गागा पंडित को प्राप्त होती है और वो निश्चय करते हैं, ऐसा ही व्यक्ति एक छत्रप शिवाजी होना चाहिए, उसका राज्याभिषेक होना चाहिए, और इसलिए गागा भट्ट उत्तर भारत से चल पड़े हैं। काहे के लिए,
तो दक्षिण भारत में ये जो शिवाजी हैं, इन शिवाजी का सम्मान होना चाहिए, इस शिवाजी को राजा बनना चाहिए। ऐसे शिवाजी को राजा बनाने का निश्चय करके गागा भट्ट अपने उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ चल पड़े हैं। उनका सम्मान करने के लिए शिवाजी को जैसे ही पता लगता है गागा भट्ट आ रहे हैं, शिवाजी अपने तरफ से एक उनके पालकी भेजते हैं और उस पालकी के माध्यम से शिवाजी गागा भट्ट जी को लेकर अपने गढ़ पर बुला लेते हैं। शिवाजी के गढ़ पर आने के बाद गागा भट्ट जी का यथोचित सत्कार होता है, सम्मान होता है। दो दिन विश्राम करने के बाद गागा भट्ट एक छोटी सी सभा बुलाते हैं, जिसमें माता जीजाबाई, शिवाजी राजे, उनके आत्मीय स्वजन और उनके मानकरी अर्थात सम्माननीय नेतागण, जो उनके नेतृत्व करने वाले बंधु हैं, वो सारे आकर बैठते हैं और उन सब के सामने गागा भट्ट अपना विचार रखते हैं कि भारतवर्ष को अब एक हिंदू पद पातशाही का राजा चाहिए। शिवाजी महाराज का कार्य तो बहुत श्रेष्ठ हो रहा है, लेकिन एक क्षत्रप भारतवर्ष को प्राप्त नहीं है। अभी भारतवर्ष में कोई भी हिंदू राजा नहीं है। मेरा आग्रह है कि शिवाजी राज्याभिषेक करा लेवें। माता जीजाबाई की तरफ शिवाजी देखते हैं। माता जीजाबाई कहती हैं कि मुझे भी गागा भट्ट जी का विचार ठीक लग रहा है। शिवाजी कहते हैं, आप सबकी इच्छा मुझे शिरोधार्य है। ऐसे समय जब अब मेरा राज्य लगभग सुरक्षित है, चारों तरफ से इसको कोई आँख दिखाने वाला अभी नहीं है, ऐसे समय में राज्य को सुरक्षित करना है तो राज्य को सिंहासन देना भी आवश्यक है। इसलिए इस समय को मानते हुए राज्याभिषेक करने का निश्चय होता है। यह राज्याभिषेक का कार्य कैसे पूर्ण होता है आगे चलकर हम देखेंगे।